सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में इंस्पेक्टर रैंक के ओहदों पर तरक्की पाने वाले 294 अफसरान के एजाज में सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट सिंध ने सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्की पाने वाले कराची रेंज के 109 अफसरान को रैंक लगाए। हमने एसएच ओविस की जिम्मेदारियों के लिए नए और बासलाहियत इंस्पेक्टर्स को मौके देना है, आईजी सिंध का तकरीब से खिताब। इन एसएच ओविस को और थानों को बाइख्तियार और माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। थानों को बरा रास्त बजट की मुंतकली और एसएच ओविस को इसका इख्तियार देने के लिए काम किया जा रहा है। अफसरान और सिक्योरिटी एहलकार में फ़र्क सिर्फ तफ्तीशी सलाहियत और इख्तियार का है। हमें अपने शोबा तफ्तीश को मजबूत करने की ज़रूरत है। कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी की वजह जराइम पेशा अफरादित के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन है। पुलिस कार्रवाई की बदौलत कराची का क्राइम रेट यौमिया 160 पर आ गया है। सिंध पुलिस डिवीजनों में मजीद 8000 मुख्तलिफ सीनियर रैंक्स की आसामियों में इजाफा के लिए सिफारिश करेगी। सीनियर रैंक्स की आसामियों में इजाफे से डिवीजनों में तरक्की के ख्वाहिशमंद और मुंतजर अहलकारों को एक वक्त में तरक्की के मौका मुयसर आ सकेंगे। हम पुलिस अहलकारों और उनके अहल खाना के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मुतारफ करवाने जा रहे हैं। पुलिस अहलकार 10 लाख तक का इलाज मुल्क के किसी भी अच्छे और अस्पताल से करवा सकेंगे। अहलकारों के बच्चों की आला और मियारी तालीम जैसी सहूलत के लिए पुलिस कैडेट कॉलेज मंसूबा भी मुतारफ करवाने जा रहे हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे।